मोहब्बत के दंगे के नाम से जो इनिशिएटिव्स आपने बताई हैं उसको सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज जिस कंपोजिट कल्चर में हम लोग रह रहे हैं वहाँ जो इश्यूज हैं और जिस तरह से राइट्स इंडिया में एक तरह का पॉलिटिकल वेपन बन गया है और पॉलिटिकल गेन के लिए जिस तरह से हिंदू मुसलमानों और दूसरी तमाम जातियों के लोगों को आपस में लड़ाया जाता है, इससे देश की जो छवि है वो तो इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो ही रही है लेकिन देश की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा खतरा है। और भारत का जो कल्चर है और इंडिया का जो एक पूरा इथोस है वो कंपोजिट कल्चर पर जुड़ा हुआ है, तो मुझे सर सैद की बात याद आती है और मैं हमेशा उसको याद करता हूँ कि हिंदू और मुसलमान दो आंखें हैं एक खूबसूरत दुल्हन की, उसमें से एक भी भींगी या कानी हो जाएगी तो उसकी पूरी खूबसूरती खराब हो जाती है। चुनांचे अगर हम चाहते हैं कि भारत खूबसूरत नजर आए तो वो उसी वक्त मुमकिन है जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित मिलकर रहें और एक दूसरे की जिंदगी में अपना योगदान दें। चुनांचे हम सबको एक आवाज होकर ये कहना चाहिए कि जो फसादात की खेती बोना चाहते हैं या फसादात की तिजारत करना चाहते हैं उनका धंधा इस देश में ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने हमको भगवान और ईश्वर के नाम पर और खुदा की मुमलकत बनाने के नाम पर बेवकूफ जरूर बनाया है लेकिन हमेशा हमको बेवकूफ नहीं बना सकते। ये इनिशिएटिव बहुत पॉजिटिव है और इसको मुल्क के कोने कोने में जाना चाहिए और ये मैसेज फैलाना चाहिए कि हम मोहब्बत के दंगों में यकीन रखते हैं, नफरत की खेतियों को चलाने के लिए तैयार। अपने वतन की ताकत के लिए मिलजुल कर ही रहना होगा, सबको अपना कहना होगा। भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।